हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द व्यू ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को मालूम है, डेली सुबह 8 बजे और 5 बजे अपने दो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के सेशन होते हैं। सुबह के बज चुके हैं दोस्तों 5, और हमेशा की तरह दोस्तों आप लोग के लिए सुबह 5 बजे मैं 10 से 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि लेके आया हूँ, ताकि हम लोग 10 से 15 मिनट के अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चन देख सकें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको लोग इसे रेगुलर देखते होंगे और शेयर ज़रूर करते होंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है, अगर आपको अनअकैडमी पे सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो आप रेफरल कोड BHU10 या भुवनेश्वर यूज़ कर सकते हैं। 10% ऑफ के लिए आपको सारे लेटेस्ट ऑफर्स हैं जो कि मिल जाते हैं आपको UPSC के लिए, PCS के लिए, डिफेंस, बैंकिंग, SSC, किसी भी एग्ज़ाम के लिए। आपको यहाँ पर ऐप डाउनलोड करनी होती है, मोबाइल नंबर डालने होते हैं, यहाँ पे गोल सेलेक्ट करना होता है, जो भी आपका गोल है, UPSC है, IIT है, CA है, जो भी है। प्लस पे जाइए, गेट सब्सक्रिप्शन पे 12 या 24 मंथ, और यहाँ पे BHU10 आपको लगाना है। ठीक है, और SSC के अंदर फाउंडेशन बैच में मैं बायोलॉजी की शुरुआत है जो कि आज से करने वाला हूँ, तो आज से ही बायोलॉजी स्टार्ट हो रही है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में अगर आप जॉब करते हैं तो एक बच्चे की एजुकेशन smileforallsociety.org की वेबसाइट पर जाके, स्पॉन्सर्ड चाइल्ड एजुकेशन पर जाके भी आप कर सकते हैं। आज का पहला सवाल है दोस्तों, फरवरी में किस दिन को गुरु रविदास जी की 645वीं जयंती के रूप में मनाया गया? बताइए, जयंती बताइए किस तारीख को आती है रविदास जी की। आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि 16th of February आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है गाइस, 16 तारीख को रविदास जी की जो जयंती है जो मनाई जाती है पूरे देश के अंदर, 645 बर्थ एनिवर्सरी। सेंट थे, पोएट थे, और हमेशा इन्होंने क्या किया, गॉड इज वन, वन गॉड को लेकर इन्होंने प्रमोट किया, लोगों को यूनिटी में रहने के लिए बोला, लोगों को पीस में रहने के लिए बोला। इन्होंने अपनी पूरी लाइफ के अंदर काफ़ी अच्छी बातें हैं जो कि करी है। ठीक है गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग मुस्कान, प्रीति, रिद्धि, मोहित, शाकिब, गिरीश, गुड मॉर्निंग। चलो, काफ़ी सारे बच्चे जाग चुके हैं यार सुबह 5 बजे, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, और 16th century के हमारे यहाँ पे के बहुत ही फेमस पोएट हुआ करते, 40 पोएम इनकी आदि ग्रंथ के अंदर भी यूज़ करी रखी है। सिखिज्म की सबसे सेक्रेट स्क्रिप्चर माना जाता है ना, मीराबाई के स्पिरिचुअल गाइड भी माने जाते हैं दोस्तों। चलिए, फरवरी में जो और इम्पॉर्टेंट डे आते हैं, जैसे कि वर्ल्ड कैंसर डे इम्पॉर्टेंट है, काला घोड़ा फेस्टिवल मुंबई के अंदर मनाया जाता है, वर्ल्ड पल्सेस डे, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन 10-11 फरवरी, ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं। भारत और डैश ने फरवरी 2022 में नई और नवीनीकरण ऊर्जा प्रौद्योगिकी पर आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। लेटर ऑफ इंटेंट कौन से कंट्री के साथ में साइन किए हैं न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर? आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए, ऑस्ट्रेलिया आपका सही आंसर हो जाएगा। हमने एक इंटेनिम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो कि अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के साथ में किया था। ठीक है, चलिए उसी को लेकर है ये, आप देख सकते हैं। और हम लोग अल्ट्रा लो कॉस्ट सोलर और क्लीन हाइड्रोजन है जो कि बनाएंगे। 4th इंडिया ऑस्ट्रेलिया एनर्जी डायलॉग भी हुआ था अभी, है ना, जिसमें हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी की कॉस्ट को कम करेंगे। इसके अलावा हमने जो ट्रेड टूरिज्म इन्वेस्टमेंट है उसको लेकर भी साइन किया, है ना। जापान ऑस्ट्रेलिया ने भी डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया कुछ टाइम पहले। ऑस्ट्रेलिया ने दोस्तों न्यूक्लियर पावर सबमरीन का जो डिफेंस अलायंस है वो UK US के साथ में कर लिया, और फ्रांस के साथ में इस डील को कैंसिल कर दिया था। चलिए, कौन बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स के अंदर शामिल होगा दोस्तों स्टार्टअप HQINC के अंदर? HQINC जो स्टार्टअप है उसके अंदर बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स में शामिल किया गया है अजीत पाई को, ये आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अजीत पाई आपका बिल्कुल सही जवाब है। ये फॉर्मर US फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन के चेयरपर्सन हुआ करते थे, है ना, और US का ही स्टार्टअप है। ये वायरलेस चिप बनाता है दोस्तों बिजनेस और एंटरप्राइजेस के लिए, और विनय रावोरी जो है इस कंपनी के CEO हैं। ठीक है,
चलिए, इसके अलावा अगर इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की बात करें तो फिक्की जो है उन्होंने अब ज्योति देश पांडे को को-चेयर बनाया है फिक्की मीडिया और एंटरटेनमेंट बोर्ड के। सीईओ वाईकॉम 18 मीडिया की भी दोस्तों ये हेड है ज्योति। तुर्किश एयरलाइंस के इल्कर को एयर इंडिया के चीफ सीईओ बनाया है। आरबीआई के विनोद राय यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के इंडिपेंडेंट चेयरमैन रहे हैं, जो कि पहले कैग हुआ करते थे। ओके, चलिए, कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया मोबाइल एप्लीकेशन एलवेस्ट टू हेल्प इन्वेस्टर्स परफॉर्म ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ऑन द वन गो? एलवेस्ट नहीं होगा, ये आई वेस्ट होगा, आई इन्वेस्ट। आई इन्वेस्ट नाम का जो मोबाइल एप्लीकेशन है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? एडलवेसिस असेस मैनेजमेंट कंपनी, ई ए एम करके कंपनी है दोस्तों, असेस मैनेजमेंट है ना, उनके द्वारा ई इन्वेस्ट नाम का एक ये मोबाइल एप्लीकेशन है, जो कि म्यूचुअल फंड का के लिए है, मोबाइल ऐप इन्वेस्टर्स के लिए है, जो कि इससे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, एडलवाइज एसेट मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। गरिमा आज फर्स्ट टाइम है जो कि लाइव आई है। गरिमा इसका मतलब सुबह 5 बजे आज पहली बार उठी है। कोरिलेट कर सकते हैं क्या अपन ऐसे, कि जो 5 बजे उठता है वो क्लास में आता है, जो नहीं उठता वो नहीं आता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है यार, आप सुबह 5 बजे उठ के जो है क्लास में आ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, प्राउड ऑफ यू गाइस। देखो, अपना एक शेड्यूल बना लो, है ना, मॉर्निंग शेड्यूल बना लो या फिर नाइट वाला बना लो, जो भी आपको पसंद हो। मॉर्निंग वाला बनाओगे थोड़ा बेटर है, सुबह सुबह अगर आप जल्दी उठ के 5 बजे से लेकर 11-12 बजे तक दिन में एक पाँच मतलब ये सुबह का अगर आपने अच्छा शेड्यूल निकाल लिया ना पढ़ाई का, तो फिर आपके पास में पूरा दिन फ्री है, फिर आप दिन में सो सकते हो, शाम में बाहर जा सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो, है ना। चलिए ठीक है, इसके अलावा तो आगे बात करते हैं। यूटीआई म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया था अभी एक S&P BSE लो वोटेलिटी इंडेक्स फंड। इसके अलावा 30 कंपनीज का यहाँ पे परफॉर्मेंस भी ट्रैक किया जा सकता है। श्रवण कुमार फंड मैनेजर थे इसके, और तो कुछ खास है नहीं। चलिए, निम्नलिखित में से किस सहकारी निकाय ने अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद के विभाजन को अनिवार्य के बजाय स्वैच्छिक बनाने का निर्णय लिया है? एमडी और चेयरपर्सन, अगर आपका मन है तो आप अलग अलग बनाओ वरना एक ही बना लो। तो ये किसके द्वारा? सेबी के द्वारा दोस्तों करा गया है। ठीक है गाइस, पहले सेबी ने ही बोला था कि चेयरमैन और एमडी अलग अलग होने चाहिए, अब ये बोल रहा है कि एक ही हो जाए तो भी चलेगा। पता नहीं मतलब इसको भी क्या चाहिए अपने जीवन में। ठीक है, चलिए, तो ये आपका सही सब जवाब है। यहाँ पे सेबी ने डिस बोला है दोस्तों कि चेयरमैन और एमडी की जो पोजीशन है लिस्टेड कंपनी के अंदर वो वॉलंटरी बेसिस के ऊपर है, कोई मैंडेटरी नहीं है ना। चलिए, ये वाली बात इनके द्वारा बोली गई। सेबी के दोस्तों हमारे देश का प्राइमरी मार्केट एडवाइज़र है आरती कृष्णन, इसकी मेंबर भी बनाई गई, और 1992 में फॉर्मेशन हुआ, मुंबई में हेडक्वार्टर है, अजय त्यागी इसके हेड हैं। बंगा विभूषण पुरस्कार विजेता संध्या मुखर्जी का निधन हो गया, वह एक प्रसिद्ध बंगाली कौन थी? तो संध्या मुखर्जी दोस्तों कौन थी, ये फेमस सिंगर थी दोस्तों, जिन्होंने अपने 40-50 साल जो है वो सिनेमा को दिए हैं, और आर डी बर्मन एस डी बर्मन सबके साथ इन्होंने काम किया है। बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला है ना, बंगा भूषण की रेसिपिएंट रही है। इसके अलावा कुछ लोगों की और मृत्यु हो गई थी, जैसे कि मिलेवी सालविनी, बाबा साहब पुरंदरे है ना, नागास्वामी जी, इन सब लोगों के, राहुल बजाज। ओके, चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट हैज अपॉइंटेड गीता मित्तल एज ए चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर टू एडमिनिस्टर द टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया? कौन सी हाई कोर्ट कमिटी ने दोस्तों गीता मित्तल को टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर की चेयरमैन बनाया है? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर दिल्ली हाई कोर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो गीता मित्तल दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट की पहले फॉर्मर चीफ जस्टिस भी हुआ करती थी, याद है आपको, है ना, तो अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने उनको बनाया है। चलिए, ठीक है, और चलिए आगे बात करते हैं। ये तो इसके अंदर तो कुछ खास है नहीं।
अगर मैं अपॉइंटमेंट्स की बात करूं और तो मनोज आहूजा जी को एग्रीकल्चर सेक्रेटरी बना दिया गया, चेयरमैन भी हैं सीबीएसई के, दिनेश प्रसाद को डायरेक्टर बनाया गया एनसीईआरटी का, पेटीएम विजय शर्मा जी को यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस स्टीयरिंग ग्रुप का एम्बेसडर बनाया है, ठीक है, बाकी तो कुछ खास नहीं है, ये कुछ अपॉइंटमेंट्स रिसेंटली हुए हैं। चलिए, तो निम्नलिखित में से किस मंत्री ने 16 फरवरी को डीएनटी सीड के आर्थिक सशक्तिकरण की योजना शुरू करी है? इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ सीड, ये दोस्तों किसके द्वारा? वीरेंद्र कुमार के द्वारा किया गया है। सीड योजना है दोस्तों, जो कि किसके लिए लॉन्च करी गई है, सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट मंत्रालय के द्वारा, वीरेंद्र कुमार जी के द्वारा लॉन्च करी गई है सीड, जो ST/ST और जो अपने जो डी नोटिफाइड नोमैडिक और जो सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज है ना, उनके वेलफेयर के लिए लॉन्च करी गई है। तो है ना, तो यहाँ पे जो बच्चे हैं वो तैयारी करवाएंगे उनको गवर्नमेंट एग्जाम के फ्री में, तो इसी को लेकर ये सीड प्रोग्राम है जो कि लॉन्च किया गया है। ओके, चलिए ठीक है। इसके अलावा बात करें तो अश्वनी वैष्णव ने 4,000 मोबाइल टावर इंस्टॉलेशन उड़ीसा में करने के लिए बोले हैं। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र ने स्वच्छ सारथी फेलोशिप प्रोग्राम लॉन्च किया, और डिवाइन है नॉर्थ ईस्ट के लिए, है ना, ये सब आपको ध्यान रखना है। फरवरी 2022 में समुद्री प्रदूषण का मुकाबला करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करने के लिए भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ में साझेदारी करी है? इंटरनेशनल वर्कशॉप ऑन मरीन पॉल्यूशन, ये हमने किसके साथ में? सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया दोनों के साथ में दोस्तों हमने करी है। ठीक है गाइस, एक इंटरनेशनल वर्कशॉप है मरीन पॉल्यूशन को कम करने के लिए, प्लास्टिक वेस्ट को कम करने के लिए इसको किया गया है। ठीक है, कुछ टाइम पहले ही जापान और ऑस्ट्रेलिया ने भी लैंडमार्क डिफेंस एग्रीमेंट किया। कनाडा ने ज्वाइन किया यूएस यूके ऑस्ट्रेलिया को डिप्लोमेटिक बीजिंग ओलंपिक के बायकॉट के लिए। कैनबरा कैपिटल है ऑस्ट्रेलिया की, डॉलर यहाँ पे करेंसी चलते हैं। स्कॉट मॉरिसन यहाँ पे प्रधानमंत्री है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किस देश के सशस्त्र बलों के प्रमुख 14 फरवरी 2022 को भारत पहुँचे हैं? तो रिसेंटली दोस्तों भारत जो है कौन से देश के आर्म्ड चीफ आए थे? ये आए थे सऊदी के। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो सऊदी के हेड है अब्दुल्ला मोहम्मद, वो रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस के हेड है, वो 3 दिन के विजिट के ऊपर है जो कि इंडिया आए थे। ठीक है गाइस, चलिए, यहाँ पे इंडियन आर्मी के चीफ से जो है वो अभी रिसेंटली मिले थे। ठीक है, 30 वाले 34 वाले एशियन गेम्स रियाद के अंदर होंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए, अगले बात है, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी ने पार्टनरशिप करी है पेटीएम पेमेंट सर्विसेज के लिए के साथ में? तो जो पार्टनरशिप करी गई है वो ट्विटर के द्वारा करी गई है, ट्विटर और पेटीएम दोनों ने पार्टनरशिप करी है। ठीक है गाइस, ताकि डिजिटल पेमेंट और फिनेंशियल सर्विसेज को लेकर यहाँ पे। ओके, चलिए ठीक है, और तो कुछ खास इसके अंदर है नहीं। एमओयूज को लेकर है, तो ये एमओयूज वाला कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस ने पार्टनरशिप करी नेशनल इंश्योरेंस एकेडमी के साथ में, है ना, अदिति अशोक ने हुंडई मोटर के साथ में, तो कुछ खास इसके अंदर नहीं है, चलेगा अगर आप नहीं भी करोगे तो। चलिए, लॉन्च द न्यू डिजिटल स्ट्रेटेजी 2022-25 टू एक्सेलरेट वर्क टूवर्ड्स अचीविंग द SDG ने दोस्तों डिजिटल स्ट्रेटेजी लॉन्च करी है 2022 से 2025। न्यू प्लान लॉन्च किया गया है UNDP के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। ओके, ताकि है ना 10 करोड़ लोगों को पावर्टी से निकालने के लिए, 50 करोड़ लोगों को क्लीन एनर्जी देने के लिए ये प्रोग्राम है जो कि लॉन्च किया जाएगा। 10 से 20% रिडक्शन किया जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में 2030 तक, इसको लेकर काम है जो कि UNDP के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है गाइज, और हाँ, और UNDP के हेड कौन है अभी? न्यूयॉर्क के अंदर तो हेडक्वार्टर है UNDP का, आप सभी को मालूम ही है, UNDP का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। फॉर्मेशन कब हुआ था? 1965 में, और एशिम करके एक पर्सन है, वो अभी इसके हेड हैं। ठीक है, चलिए, बफरिंग हो गया क्या? क्वेश्चन स्किप नहीं हुआ यार, किसका आंसर बताना है? इसका आंसर क्या है? UNDP। इसका आंसर न्यू डिजिटल स्ट्रेटेजी की बात करें तो UNDP के द्वारा लॉन्च करी गई है। ठीक है, ये तो मैंने करा ही दिया आपको।
चलिए, पीजे ऑरुके के बारे में बात करें। ऑरुके की रिसेंटली मृत्यु हो गई है। कौन से कंट्री से बिलोंग करते थे? तो दोस्तों ये यूएसए से बिलोंग करते थे, जिनकी रिसेंटली अभी मृत्यु हो गई है। ठीक है, चलिए तो ये देख सकते हो आप, ये वो पर्सन है जिनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अमेरिकन जर्नलिस्ट थे, बहुत ही फेमस, बेस्ट सेलिंग ऑथर भी थे दोस्तों, एडिटर इन चीफ थे वहाँ के एक न्यूज़पेपर के, है ना। तो उनकी अभी रिसेंटली मृत्यु हो गई है। फॉर्मर ग्रीक प्रेसिडेंट क्रिस्टोस, उनकी भी रिसेंटली मृत्यु हुई थी। इसके अलावा इब्राहिम सूतर की हुई थी, जिनको कन्नड़ कबीर बोलते हैं। मोनिका वीटी, हमारे कैप्टन हॉकी के चरणजीत सिंह जी, है ना, काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई है। आगे बात करते हैं, नीति आयोग निम्नलिखित में से किसके सहयोग से पहली बार सभी के लिए हैकथॉन कार्यक्रम आयोजित कर रहा है? तो हैकथॉन कार्यक्रम की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे फोनपे के साथ में पार्टनरशिप है, जो कि यहाँ पे नीति आयोग के करी गई है। फोनपे और नीति आयोग ने दोस्तों एक हैकथॉन करवाया है, ताकि फिनटेक के अंदर सोल्यूशन मिल सके, आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सको। 1,50,000 रुपये इसमें प्राइज मनी है जो कि रखा गया है। ठीक है गाइस, तो ये था आज का आपका सेशन। अनअकैडमी पे रेफरल कोड लगेगा किसी भी एग्जाम के लिए, BHU10 या BUNESH10, आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। UPSC के अंदर दोस्तों अभी 20% डिस्काउंट चल रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। सारे टॉप एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं, लास्ट ईयर 170 बच्चों ने एग्ज़ाम क्रैक किया। इस तरीके से 12, 24 या 36 मंथ आप लगा के BHU10 लगा सकते हैं। ठीक है, आपको ऐप डाउनलोड करके मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पे गोल सेलेक्ट करना है अपना, फिर प्लस में जाना है, गेट सब्सक्रिप्शन में 12 या 24 मंथ पे, और यहाँ पे रेफरल कोड। ठीक है गाइस, चलिए, और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, इन फेब्रवरी 2022 फिजडॉम हैज जॉइंट हैंड विथ विच बैंक टू ऑफर वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू ओवर 29 मिलियन कस्टमर ऑफ द बैंक। 29 मिलियन कस्टमर को ऑफर कर रहा है वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, कौन सा दोस्तों बैंक, ये आपको बताना है। ठीक है इस, तो ये था आज का आपका सेशन। वापस मिलेंगे 8 बजे वाली क्लास में। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।